इस भयंकर गर्मी से आप भी परेशान हो चुके हैं तो इस मैजिकल ड्रिंक को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ठंडक देने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, गर्मी से बहुत ही राहत पहुंचाएगी। आप एक ग्लास पियेंगे तो मतलब कि बहुत दिन भर ताजगी महसूस करेंगे, गर्मी तो कोसों दूर भाग गई। मेरा नाम है पाको और पाको की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तवे को गर्म करने के लिए रखा है, आँच बिल्कुल लो रखिएगा। उसके बाद हमने डाल दिया है जीरा, तो जीरा हम यहाँ 2 चम्मच ले रहे हैं और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा भून जाए जीरा, तब तक के लिए हमें इसे भूनना है। जीरा को ज़्यादा जलाना नहीं है इसलिए आँच को बिल्कुल कम रखिएगा। और ये जैसे ही कलर हल्का चेंज हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम हल्का दरदरा पीस लेंगे, या फिर मिक्सी में पीस लीजिए या फिर ऐसे ही कूट लीजिए उसे। उसके बाद मैंने एक बड़ा सा बॉल लिया है, इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी दही। ये हल्की सी खट्टी दही है, बस हल्की सी है, तो आप हल्की सी खट्टी दही लेते हैं तो उसके लिए पानी इसमें कितना डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए, सबसे पहले हम इसे हाथों से इस तरह से फेंट लेंगे। आप चाहे तो विस्कर, चम्मच या फिर मिक्सी में भी डालकर इसे चला सकते हैं ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। और इसे थोड़ी देर चलाते हुए मैंने इसे फेंट लिया है चमचे से ही, और ये अच्छे से बिल्कुल फिर चुका है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, तो पानी जैसा कि मैंने बताया हल्की सी खट्टी दही है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो इसमें हम आधा कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। आपकी अगर नॉर्मल दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है तो 1 कटोरी पानी आप ले सकते हैं। तो यहाँ हम 2 कटोरी पानी ले लेंगे और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। दही खट्टी वाली नहीं है तो इसे आप जितनी गाढ़ा ही रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, या फिर जितनी पतली रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक आपको सादा नमक नहीं यूज़ करना है, या तो आप सेंधा नमक डालिए या फिर काला नमक डालिए। अगर सादा नमक डाल भी रहे हैं तो आधा सादा नमक और आधा काला नमक डालिए। तो मैंने यहाँ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। अब हमने जो पीस कर रखा है जीरा वो हम इसमें डाल देंगे, यानी कि मैंने इसे दरदरा ही पीसा है। तो यहाँ 2 चम्मच, 2 छोटी चम्मच के हिसाब से डालेंगे, नॉर्मल वाली चम्मच जो होती है ना वो उसी से डाल देंगे 2 चम्मच, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसे अच्छे से चला लीजिए और बस ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसमें मैं डालने वाली हूँ पुदीना, तो पुदीना के मैंने पत्ते सुखा कर रखे हैं, उसे मैं क्रश करके डालूँगी। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा जीरा और छिड़क दिया है। उसके बाद हमने इसमें नींबू के स्लाइसेस भी डाले हैं, 3-4 स्लाइसेस डाले हैं, तो ये दोनों ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद इसे आपको थोड़ी देर के लिए ढक देना है, मतलब या तो फ्रिज में रख दीजिए या फिर ठंडी नहीं इसे पीना चाहते हैं तो ऐसे भी आप ढक कर रख सकते हैं, 10 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। आप इसे गर्मी में रोज़ 1 ग्लास दोपहर के समय इसे पी सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप इसमें पुदीना डालते हैं ना और नींबू तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, लेकिन नींबू और पुदीना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना डालें, वर्क वैसा ही करेगी। आपके पास पुदीना के ड्राई पत्ते नहीं हैं तो आप इसमें पुदीना का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर पाउडर ले रहे हैं तो 1 चम्मच पाउडर काफ़ी है इतनी क्वांटिटी के लिए। इसे आप छाछ भी बोल सकते हैं जिसे दही से बनाया जाता है। तो इसी तरह की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।